ये वॉशिंग मशीन है इमेज कंपनी की, जिसका मॉडल नंबर ST155 है। और ये हमने खोला हुआ है, इसकी हाउसिंग असेंबली अलग कर दी है, इसके बैरिंग में आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा। इसको खोलने के बाद इसे हमने डिसमेंटल कर दिया, हाउसिंग को सॉफ्ट बाहर निकाल दिया, सील स्लीव अलग अलग कर दिया है। और ये आपके सामने सारा पार्ट पड़ा है पुराना। इसकी सील स्लीव कट गई है, जिस पे लाइनिंग आ गई है, और इसकी वजह से इसे हमें या तो चेंज करना पड़ेगा या रिपेयर कराना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है और हम आगे इसके साथ क्या कर सकते हैं, या ये रिपेयर हो सकती है या नहीं हो सकती। ये देखो सर जी, यहाँ से इतना कटा हुआ है और यहाँ पे भी ये कटा हुआ है, तो जो है इसके पूरे ऊपर वेल्डिंग होगी, यहाँ से यहाँ तक पूरे चारों साइड। फिर इसके बाद इसका जो है ठोस लोहा लेके इसका मेटल बनेगा, जो इसके अंदर ठुकेगा, ठुकने के बाद उसके बाद ये खराद पे चढ़ेगा और यहाँ से इसकी जो है टर्निंग होगी, पूरी टर्निंग। टर्निंग होने के बाद ये जो वहाँ जाएगा, फिर इसके ऊपर ये ग्रैंड होगा, ग्रैंड होने के बाद इसके ऊपर क्रोम चढ़ेगी, जिसकी 1 साल की गारंटी होगी पूरी।